बहुत पुरानी बात है। मिसमा नाम का एक गांव था। वहां एक गरीब मछुआरा रहता था। वह रोज नदी किनारे मछलियां पकड़ने जाता और उसे बेचकर जो भी पैसा होता उस पैसों से अपनी पत्नी और बच्चों का पेट पालता था। उस मछुआरे का एक नियम था, वह नदी किनारे रोज जाता और नदी में सिर्फ 4 बार ही जाल फेंकता और जितनी भी मछलियां पकड़ी जाती उतने में ही संतुष्ट रहता। एक दिन की बात है, वह रोज की तरह सवेरे ही उठकर नदी किनारे चला जाता है और जब पहली बार जाल फेंकता है और जब जाल को खींचता है तो उसे जाल बहुत ही भारी लगा। उसने समझा कि जरूर ही कोई भारी और बहुत बड़ी मछली फंसी होगी। लेकिन जब वह जाल बाहर निकालता है तो उसमें एक गधे की लाश फंसी हुई थी। वह गधे की लाश को देखकर जल भुन गया। लाश के बोझ के कारण उसका जाल भी जगह जगह फट गया। फिर उसने गधे को एक ओर रखा और दूसरी बार नदी में जाल फेंका। इस बार जाल खींचा तो उसमें सिर्फ मिट्टी और कीचड़ भरा मिला। यह देखकर मछुआरा रो रो कर कहने लगा, मेरा दुर्भाग्य तो देखो, दो बार मैंने नदी में जाल डाला और मेरे हाथ कुछ भी न लगा। मैं तो इस पेशे के अलावा और कोई व्यवसाय जानता भी नहीं हूँ, ऐसे कैसे मेरा गुजर बसर होगा। फिर मछुआरा ने तीसरी बार जाल फेंका तो इस बार भी दुर्भाग्य ही हाथ लगा। जाल में कंकड़ पत्थर और फलों की गुठलियाँ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। यह देखकर मछुआरा जोर जोर से रोने पीटने लगा। इतने में सवेरे का उजाला भी फैल गया था। उसने भगवान का ध्यान धरा और विनय पूर्वक बोला, हे सर्वशक्तिमान दीनदयाल प्रभु, तुम तो जानते ही हो कि मैं हर रोज सिर्फ 4 बार ही नदी में जाल फेंकता हूँ। आज 3 बार जाल फेंक चुका हूँ और कुछ भी हाथ नहीं आया, सारी मेहनत बेकार गई। अब तू ही कुछ कृपा कर और नदी से मुझे कुछ दिलवा दे ताकि मेरा आज का गुजारा हो सके। यह कहकर मछुआरा ने चौथी बार जाल फेंका और खींचा तो भारी लगा। वह सोचने लगा, इस बार तो जरूर ही मछलियां फंसी होगी। बड़ा जोर लगाकर उसे बाहर निकाला तो देखा कि उसमें एक पीतल के घड़े के सिवा और कुछ भी नहीं है। उसने सोचा कि इसमें जरूर ही कोई बहुमूल्य रत्न होगा। फिर मछुआरे ने मन में सोचा, अगर यह खाली हुआ तो इसे बेचकर पैसे तो मिल ही जाएंगे, जिससे आज का काम किसी तरह चल जाएगा। फिर उसने चाकू निकालकर घड़े का मुंह खोला। अब वह झांक कर घड़े में देखने लगा तो वह देखता है कि घड़े से तो धुआं निकल रहा है। वह आश्चर्यचकित होकर देखने लगा कि क्या होता है। घड़े में से धुआं निकलकर नदी के ऊपर आकाश में फैल गया और कुछ ही देर में वह धुआं सिमट कर एक जगह आ गया और उसमें से एक बहुत बड़ा जीन निकला। मछुआरा घबरा कर भागने लगा, लेकिन उसने सुना कि वह जीन हाथ उठाकर कह रहा है, हे मेरे आका, मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करूँगा। यह सुनकर मछुआरा अपना डर भूल गया और बोला, अरे भूत, तू क्या बक रहा है, तू कौन है और मुझे ये बता कि तू इस घड़े में किस तरह बंद हुआ। जीन ने गुस्से से देखकर कहा, तू बड़ा बदतमीज है, मुझे भूत कहता है। मछुआरा बिगड़कर बोला, और कौन है तू, तुझे भूत ना कहूँ तो गधा कहूँ क्या। जीन ने फिर गुस्से में आकर कहा, तेरे मरने में अब अधिक समय नहीं है, मैं तुझे जल्दी ही मार डालूंगा, इसीलिए अपनी बक बक बंद कर और मुझसे बात ही करनी है तो जुबान संभाल के कर। मछुआरा घबराते हुए बोला, तू मेरी हत्या क्यों करना चाहता है, क्या तू भूल गया कि मैंने ही तुझे इस घड़े के बंधन से छुड़ाया है। जीन बोला, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तूने ही इस घड़ा को खोला है, लेकिन इस बात से तेरी जान नहीं बच सकती। लेकिन मैं तुझे निर्णय करने का अधिकार दूंगा कि मैं किस प्रकार तुझे मारूं।
मछुआड़ी ने कहा, तेरे हृदय में जरा भी दया नहीं है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है कि तू मुझे मारना चाहता है? क्या मेरे इस एहसान का बदला तू इस प्रकार देना चाहता है? अकारण ही मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? जिन बोला, नहीं मेरे आका, आपको अकारण मैं नहीं मार रहा। आपको मारने का क्या कारण है, कृपया आप ध्यान लगाकर सुने। फिर जिन बोला, मैं उन जिनों में से हूँ जो नास्तिक थे। सभी जिन बादशाह को ईश्वर का दूत मानते थे और उनकी आज्ञा का पालन किया करते थे, लेकिन मैं और एक दूसरा जिन जिसका नाम साकर था, बादशाह की आज्ञा का पालन नहीं किया करते थे। एक दिन बादशाह बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया कि मुझे पकड़कर सामने पेश किया जाए। मंत्री ने मुझे पकड़कर बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। बादशाह ने मुझसे कहा कि आज से तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा और जो मैं कहूँगा वही तू करेगा। मैंने साफ इनकार कर दिया। बादशाह ने इसकी सजा मुझे यह दी कि मुझे एक घड़े में बंद करवा दिया और अभिमंत्रित करके शीशे का ढक्कन उसके मुंह पर जड़ दिया और अपनी मुहर लगाकर एक जिन को आज्ञा दिया कि इसे नदी में डाल दो। इसलिए वह मुझे नदी में डाल गया। उस समय मैंने प्रण किया कि 100 वर्षों के अंदर जो आदमी मुझे निकालेगा उसे मैं इतना धन दूंगा कि वह आजीवन सुख से रहेगा और मरने के बाद भी बहुत सा धन उसके उत्तराधिकारी के लिए बच जाएगा। लेकिन उस अवधि में भी मुझे किसी ने नहीं निकाला। फिर मैंने प्रण किया कि अगले 100 वर्षों के अंदर जो भी मुझे मुक्त करेगा उसे मैं सारे संसार का खजाना लाकर दूंगा। फिर भी मुझे किसी ने नहीं निकाला। फिर मैंने प्रण किया कि आगे आने वाले 100 वर्षों में जो मुझे इस घड़े से निकालेगा उसे मैं बहुत बड़ा बादशाह बना दूंगा और हर रोज उसके पास जाकर उसकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। लेकिन जब इस तीसरी अवधि में भी किसी ने मुझे न निकाला तो मुझे बड़ा क्रोध आया और उसी अवस्था में मैंने यह प्रण किया कि अब मुझे जो भी बाहर निकालेगा मैं उसे अत्यंत क्रूरतापूर्वक उसके प्राण ले लूँगा। हाँ, उसके साथ इतना अवश्य करूँगा कि वह जिस प्रकार मरना चाहेगा उसी प्रकार मारूँगा। अब तूने इस प्रतिज्ञा के बाद ही मुझे निकाला है तो अब तू ही बता कि तुझे किस प्रकार मारूं। मछुआड़ा यह सुनकर डर गया और सोचने लगा कि दुर्भाग्य तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, जो मैं भलाई करके उसके बदले मृत्युदंड पा रहा हूँ। वह गिड़गिड़ाकर जिनसे बोला, भाई तुम अपनी प्रतिज्ञा भूल जाओ, मेरे छोटे छोटे बच्चों पर दया करो। यदि तुम्हारी समझ से मैंने कोई अपराध किया है तो भी मुझे क्षमा करो। क्या तुमने सुना नहीं है कि जो दूसरों के अपराध क्षमा करता है ईश्वर उसकी अपराध क्षमा करता है। जिन ने कहा, यह बातें रहने दे, मैं तुझे मारे बगैर नहीं रहूँगा। तू सिर्फ बता दे कि किस प्रकार मरना चाहता है। अब तो मछुआड़ा बहुत ही भयभीत हो चुका था। उसने देखा कि यह जिन तो उसे मारने का हठ नहीं छोड़ रहा है। वह मछुआड़ा अपनी पत्नी और बच्चों को याद करके बहुत दुखी हो गया। फिर उसने सोचा कि आखिरी बार मैं प्रयास करके देखता हूँ, शायद यह मान जाए। हे जिन राज, मैंने तो तुम्हारे साथ इतनी भलाई की है, तुम इसके बदले मुझ पर दया भी नहीं कर सकते। जिन बोला, इसी भलाई के कारण तो तेरी जान जा रही है। मछुआड़े ने फिर कहा, कितनी आश्चर्य की बात है कि तुम मेरे इस उपकार के बदले प्राण लेने पर तुले हो। यह कहावत सही ही है कि बूढ़ों के साथ भलाई जो करता है उसे खूब परिणाम ही मिलता है। यह कहावत तुम्हारे ऊपर ही लागू होती है। जिनने कहा, तुम चाहे कितने सवाल जवाब करो और चाहे जितनी कहावतें कहो, मैं तो तुम्हारी जान लेने के प्रण से नहीं हटने वाला। मछुआड़े ने अंत में अपनी रक्षा का एक उपाय सोचा। उसने जिनसे बोला, अच्छा तो तुम मेरी जान लिए बगैर नहीं मानोगे। यदि भगवान की यही इच्छा है तो यही सही, लेकिन मैं तुझे उसी पवित्र नाम की जिसे तुम्हारे बादशाह ने मुहर पर खुदवाया था कसम देकर कहता हूँ कि जब तक मैं अपने मरने का तरीका नहीं सोच लेता
तब तक तुम मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। जिन इतनी बड़ी कसम सुनकर कांपने लगा। उसने कहा, पूछ, क्या पूछना चाहता है? मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। मछुआरे ने कहा, मुझे तेरी किसी बात पर विश्वास नहीं होता, तो इतना बड़ा और विशालकाय होकर इतनी छोटी सी घड़ा में कैसे समा गया? तू झूठ बोलता है। जिन ने बोला, जिस पवित्र नाम की कसम तूने मुझे दिलाई है उसकी साक्षी देकर कहता हूँ, मैं उसी घड़े में था। मछुआरे ने फिर कहा, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, तू सच कहता है? इस घड़े में तो तेरा एक पाँव भी नहीं आएगा, तू पूरा का पूरा इसमें कैसे समा गया? जिन ने कहा, क्या मेरे इतनी बड़ी कसम खाने के बाद भी तुझे विश्वास नहीं होता? मछुआरा बोला, तेरी कसम खाने से क्या होता है? मैं तो तभी मानूंगा जब अपनी आंखों से इस घड़े के अंदर तुम्हें देखूंगा और उसमें से आती हुई तुम्हारी आवाज सुनूंगा। यह सुनकर जिन फिर से धुएं में परिवर्तित हो गया और साड़ी नदी की ओर फैल गया और फिर वह धुआं एक जगह पर इकट्ठा होकर धीरे धीरे घड़े में जाने लगा। जब बाहर धुएं का नामो निशान नहीं रहा तो घड़े के अंदर से जिन ने आवाज दी, अब तो तुझे मालूम हुआ कि मैं झूठ नहीं कह रहा था, मैं इसी घड़े में बंद था। मछुआरे ने इस बात का उत्तर नहीं दिया और उसने झटपट घड़े का मुंह बंद कर दिया। फिर बोला, ओ जिन, अब तेरी बारी है, अब तू गिड़गिड़ाएगा और मुझसे क्षमा मांगेगा, या फिर मुझे बता, अब तू मेरे हाथ से मरना चाहता है? लेकिन मैं तुझे नहीं मारूंगा, इसी नदी में डाल दूंगा और जो भी मछुआरा यहाँ नदी में जाल डालने आएगा उसे कहूंगा, यहाँ एक घड़े में एक बहुत ही दुष्ट जिन बंद है, जिसे कभी मत निकालना। यह सुनकर जिन बहुत घबरा गया। उसने हाथ पांव मारे और कहने लगा, मुझे निकालो, मुझे इस घड़े से निकालो। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था उस मछुआरे पर, लेकिन फिर भी बोला, भाई तुम मुझे नदी में मत डालो, मैं तो तुम्हारे साथ बस मजाक कर रहा था, तुम तो सच ही मान बैठे। मुझे खेद है कि मैंने ऐसा घटिया परिहास तुम्हारे साथ किया, अब मुझे निकाल दो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। मछुआरे ने हंसकर कहा, क्यों रे जिन, जब तू इस घड़े से बाहर था तब तो बहुत बड़ा शक्तिशाली बन रहा था, अकड़ दिखा रहा था कि मैं तुझे मार दूंगा, अब कैसा लग रहा है, अब कैसे गिड़गिड़ा रहा है? जिन बोला, मेरे आका मुझे इस बार माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा। मछुआरे ने कहा, तू महाधूर्त है, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला, अब तू जीवन भर इसी घड़े में बंद रहेगा। यह कहकर मछुआरा उसे नदी में डाल देता है और अपने घर को चला जाता है। फिर मछुआरा खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।